पूरा विश्व ड्रग के दुरुपयोग और ड्रग की तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प को पूरा करने में एनसीबी के सभी कर्मी, एनजीओज और इससे जुड़े वॉलंटियर्स को उनके प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ड्रग मुक्त भारत के आह्वान को इस अमृत काल में हमारा दृढ़ संकल्प बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मेरा मानना है कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको सभी के समन्वय से ही रोका व समाप्त किया जा सकता है। श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ड्रग के तस्करी के संपूर्ण उन्मूलन हेतु व्यापक स्तर पर काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने लड़ाई को समन्वयित और संस्थागत बनाया है। इसके लिए गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वाधान में नार्को समन्वय तंत्र की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य सभी एजेंसियों के बीच में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करना है, जिससे ड्रग की तस्करी पर अंकुश लगाने में हमें पूर्ण रूप से कामयाबी मिल सकती है। एनसीबी राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग के विरुद्ध इस युद्ध में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है, जिसके कारण हमें सफल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में 2014 से 22 तक जब्त किए गए ड्रग के मूल्य उसके पहले 8 वर्षों की तुलना में लगभग 25 गुना अधिक है। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग न केवल समाज को खोखला बनाता है, बल्कि नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मुझे विश्वास है कि एनसीबी और सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास से अपेक्षित सफलता हासिल होगी। आइए हम सब मोदी जी के ड्रग मुक्त भारत के संकल्प की पूर्ति में अपना अपना योगदान दें और भारत को ड्रग मुक्त बनाएं।